वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और रेड एफएम की जानिब से गुलबर्गा शहर में आवाम के बीच झाड़ों की अहमियत और एयर पोल्यूशन से हो रहे नुकसानात पर अवेयरनेस दिया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर फारूक मन्नूर ने कहा, आजकल लोग डेवलपमेंट के नाम पर झाड़ों को खत्म कर रहे हैं, जिससे एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेड एफएम के साथ मिलकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वैंस के जरिए कुल 500 झाड़ डोनेट कर रहे हैं और लगातार 7 दिनों तक ये वैन शहर में चलाई जाएगी। डॉक्टर फारूक मन्नूर ने कहा, झाड़ों की कमी की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे कई इंसान और खासकर जानवरों की मौत हो रही है। तमाम शहर के आवाम को मिलकर ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी बनाने में अपना वक्त देना बेहद जरूरी है। हर एक शख्स को 10 झाड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। एयर पोल्यूशन और प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर पोल्यूशन बॉडी में जाने से कई बड़ी बीमारियां हो रही हैं। डॉक्टर फारूक मन्नूर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाने के अलावा हमेशा ऐसे कामों में हिस्सा लेते हैं जिससे शहर और आवाम का फायदा हो सके। इस प्रोग्राम में नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा और दीगर लोग मौजूद थे। एमएलए कनीस फातिमा ने डॉक्टर फारूक मन्नूर के खिदमात को देख अप्रिसिएट करते हुए कहा, आज जो एनवायरमेंट डे के मौके पर आवाम के बीच अवेयरनेस दिया जा रहा है, ये बेहद जरूरी है। डॉक्टर फारूक मन्नूर ने इस प्रोग्राम में शिरकत करने और सपोर्ट करने पर एमएलए कनीस फातिमा, महानगर पालिका एनवायरमेंटल इंजीनियर बाबूराव और दीगर लोगों का शुक्रिया अदा किया है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। रेड एफएम और मन्नूर हॉस्पिटल की तरफ से जो एनवायरमेंट डे रखा गया है प्लांटेशन के लिए, ये काफ़ी ज़रूरी है यहाँ के लिए, हर जगह के लिए वैसे ज़रूरी है। यहाँ पर जब भी डॉक्टर साहब ने जो कहा है कि फ्रेश हवा के लिए हमारे ये ज़रूरी है झाड़ लगाना, तो इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ फारूक साहब को, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल चलाते हुए काफ़ी इस चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, आगे बढ़ के कई लोगों की हेल्प करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला आपके हाथ में, अल्लाह ताला शिफा दे और आपको तरक्की दे अल्लाह ताला, क्योंकि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम सबकी दुआ आपके साथ है इंशाल्लाह ताला आपका। आज रेड एफएम नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलबुर्गी महानगर पालिके एंड काफ़ी सारे लोग जुड़कर एक इनिशिएटिव आज हम लोग लिए हैं कि एनवायरनमेंट डे को किस तरीके से हम लोग मनाएं एंड किस तरीके से गुलबर्गा को हरा और भरा रखें एंड किस तरीके से जो हमारा जो एयर पोल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल करें एंड स्पेशली इस बार का जो थीम है बीट दी प्लास्टिक पोल्यूशन, जो WHO के तरफ से जो आया है, यूनियो की तरफ से जो आया है, तो एक प्लास्टिक भी जो है एनवायरनमेंट को किस तरीके से ख़राब कर रहा है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। सो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है तो हमें झाड़ लगाना है, हमें पेड़ लगाना है, हमें मैं मेरी तरफ से पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमारे घर में 3 लोग हैं तो एक के मुकाबले में 10 झाड़ लगाए, 3 लोग हैं तो 30 झाड़ लगाए, 5 लोग रहे तो 50 झाड़ लगाए। एक मेरा छोटा सा एक इनिशिएटिव है, तो इस तरीके से हम लोग किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम इम्प्रूव करें गुलबर्गा को। मैं शायद लास्ट ईयर में देखा था कि हमारा गुलबर्गा भी हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब था, दैट मीन्स दैट यहाँ की जो सांस जो हम ले रहे हैं वो एक पोल्यूटेड एयर हम लोग ले रहे हैं बोल के इसका मतलब है। तो हाउ वी हैव टू इम्प्रूव आवर एनवायरनमेंट, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। सो जो भी लोग आज आए हैं एक इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से MLA मैडम जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आके सपोर्ट किए हैं, हमारे बाबूराव सर जो एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं जो हमेशा से एनवायरमेंट के लिए सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव हमें भी बताते रहते हैं। मकसद वही है जो टेम्परेचर जो ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए क्योंकि फॉरेस्ट हम निकाल के बिल्डिंग बना रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि हम घर के साथ में जो है ना एक झाड़ लगाएं एंड डेवलपमेंट के नाम पे जो फॉरेस्ट को हम लोग तबाह कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। आप देख सकते हैं केरला इतना छोटा है लेकिन घर इतना छोटा रहता है, इनके पर्सनल गार्डन जो रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। तो पर्सनल गार्डन को भी जो है ना सभी लोगों को जो है ना इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जो आपको मेंटली भी फिट रखेगा एंड इवन फिजिकली भी फिट रखेगा। लोगों को जो है ना दिखावा चाहिए बोल सकता हूँ मैं, लेकिन हेल्थ के रिलेटेड कोई सोच नहीं रहा है, जो ना कि एक झाड़। देखिए, अगर मैं कुछ खाना खाता हूँ तो सिर्फ मेरे लिए है, अगर मैं झाड़ लगाता हूँ तो वो मेरे लिए भी है, मेरे पड़ोस के लिए भी है, तो एक बहुत ही अच्छा शायद इसलिए सवाब भी हो सकता है, सबको जा रहा है, झाड़ लगा रहे हैं, सबको एनवायरनमेंट हो रहा है, तो सभी को हेल्प हो रहा है। तो
आप अपने लिए भी हेल्प कीजिए एंड दूसरों को भी हेल्प कीजिए।